6. जबरदस्त। आ गया। यार ये जो है ना तुषार कपूर जो गूंगे के रोल में फिल्म पे फिल्म करते जा रहे हैं, दाद देनी पड़ेगी बॉस इनके इस टैलेंट की जो बिना कुछ किया ही बाहर आ जाता है। कितनी शेम टू शेम बात है यार, है? We mean, सेम टू सेम फिल्में करके शायद तुषार बोर हो गए थे या फिर लोग ने एक ही रोल में देख देख के पक चुके थे तो शायद ये रोते भी लगते पहुंचे अपनी दीदी के पास कि अब मुझे गूंगा नहीं बनना, कुछ और करना है। तो एकता दीदी ने इनका साइलेंसर हटाकर इन्हें सीधा उठाकर डाल दिया शोर इन द सिटी में। अब तुषार ने इतनी टाइम बाद तो कुछ अलग किया था ना, जाहिर सी बात है कि उन्हें इनसिक्योरिटी भी तगड़ी होगी। अब आप कितने पानी में है ये खुद को बहुत अच्छी तरह पता होता है हमेशा, शायद इसी वजह से तुषार को अपनी परफॉर्मेंस पर भी डाउट था, इसीलिए उनके दिमाग में प्रमोशन का आइडिया टपका। अब प्रमोशन कैसे करे ये उस आइडिया के साथ मुफ्त नहीं था यूसी, तो शायद काफी रिसर्च करने पे उन्हें कोरियोग्राफी का तरीका ही ठीक लगा। अब कोरियोग्राफी की भी तो किसकी, आमिर खान द परफेक्शनिस्ट के प्रमोशन आइडिया की, जिस तरह से आमिर ने थ्री इडियट्स के टाइम पर गेटअप बदल के प्रमोशन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। इन्होंने सोचा वैसे ही शोर इन द सिटी भी चल जाएगी, लेकिन किसे पता था कि तुषार को प्रमोशन में नाको चने चबाने पड़ेंगे। आइडिया तो सुनिए, एक अजीब से गेटअप में तुषार रोड पर किताब बेचने निकल पड़े, फिर क्या होना था वही हुआ। शायद अपनी खराब एक्टिंग स्किल्स की वजह से तुषार का हो गया पंगा एक पासर भाई से, लेकिन पिटने से पहले वो बच गए। किसी ने उन्हें पहचाना कैसे होगा, वही तुषार ने बोला होगा अब कोई तुषार को समझाया कि पहले आप ठीक से तुषार तो बन जाइए, आमिर खान बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ तो कोरियोग्राफी भी ऐसे करें जो आपके बस की हो। ओके तो तुषार की नॉन सक्सेसफुल कोरियोग्राफी एप नंबर 6।